हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, कि इंडिया की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने पेपर और पेन साथ में रखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज नोट्स मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। फाइन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स, देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम फिजियोग्राफी देख लेते हैं कि फिजियोग्राफी क्या होती है। द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज फिजिकल पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफी का ही एक पार्ट होता है जो कि फिजियोग्राफी है। ये स्टडी करता है फिजिकल पैटर्न अर्थ के या फिर वेरियस प्रोसेसेस। तो हम फिजियोग्राफी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं या अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंडिया की बात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप भी बनाया है साथ साथ में, ताकि आपको समझ भी होती रहे। तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, सभी बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। बस आप साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। फर्स्ट है द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। देखिए ये हमारा इंडिया है, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे तट हैं, आप जिस कहते हैं ना कि बीच है। ठीक है, वैसे इसे कोस्टल एरियाज कहते हैं, बट नॉर्मली हम इसे कहते हैं कि बीच है। तो देखिए हर जगह अलग अलग सिस्टम है, बस उसी के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स कहाँ पे हैं, हिमालयंस कहाँ पे। तो देखिए ये जो यहाँ पे मैंने लाइट स्काई कलर किया हुआ है, स्काई ब्लू कलर जिसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जितने भी स्काई ब्लू कलर है, ये है द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स, राइट। सेकेंड है द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू होता है, प्रायद्वीप इसे कहते हैं हिंदी में, तो ये डक्कन वाला एरिया जो साउथ इंडिया है, वो वाले पार्ट इसमें आता है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्लेटू का मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए। पेनिनसुला का मतलब होता है ज़मीन का कोई भी ऐसा भाग जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो ये घिरा हुआ है सारी साइड से, एक ही साइड है इसमें लैंड। ठीक है, प्लेटू क्या होता है, पठार, यानी जो जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल सतह है, तो इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, ऐसे होता है पठार। ये नॉर्मल ज़मीन है लेकिन पठार थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। फिर है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या फिर द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, देखिए ये हमारे ग्रेट प्लेन्स है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है ये जो गंगा के आसपास की है, राइट। फिर है द कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे देखिए पर्पल कलर किया है, कोस्टल प्लेन्स हो गए हमारे तट। ठीक है, तो ये जो पानी के साथ आते हैं ये सारे हमारे तट होते हैं। इस साइड पे अरेबियन सी है, इस साइड पे बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ये सबसे कम इसमें पढ़ने को होता है, बट तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्वेश्चन हमेशा उसी में से आता है, तो काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है इसका ये। सो आइलैंड्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, कितने आइलैंड्स इंडिया के पास, दो हैं, एक है लक्षद्वीप ग्रुप है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए हमने पांच डिविजन्स पढ़ लिए फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के। अब पांचों एक वीडियो में तो कवर हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ दी हिमालयाज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कंप्लीट करूंगी। सिर्फ यही वाला पार्ट है जो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब में तो इतना पढ़ने के लिए ही नहीं है। यस, वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे ये पिंक कलर तो यहाँ किसी में भी नहीं आया। सो ये पिंक कलर, ये है राजस्थान स्टेट हमारी, और ये जो राजस्थान का वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे आता है डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। इसको फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इंडिया की, उसमें मेंशन नहीं करते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे खुद से कर लिया ये। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द हिमालयाज। ये आपको पांच सिस्टम समझ आ गए, हमारे पांच डिविजन्स। आज हम फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट सबको कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हिमालयाज के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, बट आपने एक बार ये वाली वीडियो देख ली ना, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, सो दी हिमालयाज। अब हिमालयाज होते क्या हैं, हिमालयाज मीन्स अ बॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब जो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे हिमालयाज। क्या होते हैं ये, यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ टर्शरी पीरियड। देखिए दुनिया में जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यंग हैं हमारे हिमालयाज। यंग मतलब क्या, मतलब सबसे बाद में ये बने हैं। तो अगर बात करें सबसे नए नए माउंटेन्स कौन से हैं, हिमालयाज सबसे नए नए माउंटेन्स हैं, सबसे सारे माउंटेन्स जो हैं दुनिया में सबके बाद हिमालयाज बने। फोल्ड माउंटेन्स हैं, अब देखिए माउंटेन्स के भी टाइप्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ टर्शरी पीरियड, अब इसका भी ऐसा है, क्वार्टरनरी पीरियड है, टर्शरी पीरियड है, प्लेस्टोसीन पीरियड, बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, वो एक अलग से पूरा टॉपिक है कि कौन से पीरियड में ह्यूमंस आए, कौन से पीरियड्स में फ्रॉग्स आए, कौन से पीरियड्स में एम्फीबियंस आए, कौन से पीरियड में हमारे एंसेस्टर्स आए, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। बट
इतना याद रखना है, जो हिमालयाज हैं वो टर्शियरी पीरियड के हैं, यंग माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। फोल्डेड ओवर टेथिस सीज ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन ये उठता है कि जहाँ पे अभी हिमालयाज हैं वहाँ पे पहले कौन सा सागर हुआ करता था, तो फिर नहीं पता चलता, हमें लगता है वहाँ पे पहले सागर होता था, सागर के ऊपर पहाड़ बन गए। देखिए वहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए होता क्या है, फिर से ज़रा डायग्राम के पास चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडिया का ये मैप बनाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे साथ में नहीं बनाया है, जो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान आता है, ये सब आता है, फिर उसके बाद हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी दो प्लेट्स हैं, ये हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक यहाँ पे दूसरी प्लेट है, ये इधर को चली है, ये अपनी जगह रुकी हुई है, इस तरह से मिल रही है और इस तरह से ऊपर को पहाड़ बन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे मिल रही हैं और ऊपर को पहाड़ बन रहे हैं। तो जहाँ पे पहाड़ बन रहे हैं वहाँ पहले सागर था, बट प्लेट्स यानी ज़मीन मिल रही है तो वो ऊपर को इस तरह से पहाड़ बनते जा रहे हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो इसमें, ठीक है। लेट मी एडजस्ट इट वंस, ओके, ये हो गया कि टेथिस सी के ऊपर बना है। नाउ कंप्राइजेज मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बना है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो लेयर्स के फॉर्म में होती है, सबसे ज़्यादा फॉसिल्स यहीं पे पाए जाते हैं, तो याद रखना है बस सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है एक्सटेंट, एक्सटेंट समझने से पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। जो हमारे हिमालयाज हैं ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसे देखिए एक सबसे ऊपर एक लाइन है, फिर दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है। अब क्या ये लाइन क्या है, ये एक माउंटेन्स की रेंज ऐसे चलती है, दूसरे माउंटेन्स की रेंज बीच में है, तीसरे माउंटेन्स की रेंज यहाँ पे है। नहीं समझ आ रहा तो देखिए इस तरह से, अब जो मैंने ये बनाई है मैंने सबसे नीचे वाली रेंज के बनाए, सबसे ऊपर भी ऐसा है, बीच वाली में भी ऐसा ही है। तो जो टॉप वाली रेंज होती है इसे कहते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज या ग्रेट हिमालयाज, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। जो बीच वाली रेंज है इसे कहते हैं इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, बहुत कुछ कहते हैं। जो सबसे नीचे वाली है इसे कहते हैं शिवालिक्स, ठीक है। तो ये आपको डिवीजन समझ आ गया हिमालयस का, तीन पार्ट्स में डिवीजन है। अब देखिए ये तीन पार्ट्स तो हमने पढ़ लिए, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे ट्रांस हिमालयस कहते हैं, बट वो हम बाद में कवर करेंगे, लास्ट वाला टॉपिक हमारा आज का वही रहेगा। सो अब यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो यहाँ पे बोला है कि इसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है, इसका मतलब है कि ईस्ट में कहाँ ये ख़त्म होती है, वेस्ट में कहाँ तक जाती है। तो देखिए ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर से ये स्टार्ट हो जाते हैं और वेस्ट में इंडस रिवर पर आके ये माउंटेन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक, यहाँ पे लिखा है 2500 किलोमीटर, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो इनकी लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है। नाउ पामीर्स, पामीर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पामीर्स क्या है, the connecting link between the Himalayas and the high ranges of Central Asia, ये एक connect करने वाला link है जो Himalayas को connect करता है, यानी इस पूरा Himalayas है ये, अगर हम बोल दिए Himalayas मतलब तीनों range, इन तीनों को connect करता है, जो Central Asia वाला part है ना, जैसे पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा, बस उस वाले part के साथ connect करता है पामीर का पठार, ठीक है। अब जो पामीर है इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, पामीर के पठार होते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आ गई थी वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी है कि विर्थ कितनी है हमारे माउंटेन्स की, विर्थ मतलब ये तीनों रेंजेस जो हैं इनकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए 240 से 320 किलोमीटर, अब ऐसा तो है ना कि फिक्स रहेगी 500 किलोमीटर ऐसे बिल्कुल फिक्स रहेंगे, नहीं, ये तो पहाड़ है, ये तो हर कहीं को चलते हैं, तो 240 से 320 किलोमीटर इनके अप्रॉक्सीमेटली रहती है, ठीक है। हो गया फर्स्ट पेज कंप्लीट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखिए हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि तीन रेंजेस होती हैं, तो सबसे टॉप के जो रेंज है हमने पढ़ा उसे ग्रेटर हिमालयस कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, बस अब इस पूरे पेज में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आपने पेपर और पेन अपने साथ में रखा है, नोट्स आप बना रही हैं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा नोट्स बनाने का, आप भूल जाएंगे, वीडियो साइड में पड़ी रहेगी और आपके नोट्स मेकिंग रह जाएगी। सो ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ना है, नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा। फर्स्ट पॉइंट है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस, नॉर्दर्न मोस्ट क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, हमने पढ़ा है डायरेक्शंस के बारे में। अगर देखिए हम डायरेक्शंस की बात करें, अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो नॉर्थ क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो हिमालयस में भी सबसे ऊपर क्या आता है, ग्रेटर हिमालयस आते हैं, तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट हो गया हिमालयस का। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पार्ट, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला स्थान है ग्रेटर हिमालयस। एल्टीट्यूड कितना रहता है, यानी हाइट कितनी रहती है, 6100 मीटर, बट ऐसा नहीं सोचना पूरा 6100, 6000 भी हो सकता है, 6300 भी हो सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट हम 6100 मीटर इसको ले लेते हैं। इंक्लूड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, पूरी दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेटर हिमालयस में है।
लेकिन ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, जो ग्रेटर हिमालयाज है वो नेपाल से होकर भी जाता है, तो जो ये माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में पड़ती है। हाइट तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए 8848 मीटर्स। अभी पीछे एक साल पहले आई थिंक न्यूज़ आई थी कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट बढ़ गई है 0.26 सेंटीमीटर से, तो आप अगर न्यू हाइट की बात करें तो 8848.26 मीटर्स हो गई। चाइना में माउंट एवरेस्ट को अलग नाम से जाना जाता है, नेपाल में अलग नाम से जाना जाता है, दुनिया में इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। सो चाइना में इसे कहते हैं चोमोलंगमा और नेपाल में कहते हैं सागरमाथा। याद कैसे करना है, दोनों के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, दो तीन बार पढ़ लिए हो जाएंगे याद। सी सी चाइना चोमोलंगमा, सी सी तो सेम हो गए ना, जो बच गया वो नेपाल का है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय हम पढ़ रहे हैं, लास्ट पार्ट इसमें आता है जास्कर रेंज। जो जास्कर रेंज है वो सिचुएटेड है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज। जो ग्रेट हिमालयाज हैं उनका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है जास्कर रेंज। ठीक है, तो ये हमने ग्रेटर हिमालयाज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पीक्स। देखिए क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी आता है कि ये जो पीक है ये कौन से पार्ट में आती है, ग्रेटर हिमालयाज में आती है, मिडिल हिमालयाज में आती है, शिवालिक्स में आती है, फिर हमें पता ही नहीं चलता। तो देखिए हमें जो हमारा मेन पार्ट होता है ना, ऊपर वाली जो दो हमने पढ़ा, ग्रेटर हिमालयाज पढ़ा, मिडिल हिमालयाज पढ़ा, वही हमें पढ़ना होता है। शिवालिक्स में तो कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बस ये दो पार्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, आपका हिमालयाज कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, बहुत सारे हैं, हम पढ़ेंगे कौन से कहाँ पे है ये भी। धौलागिरी है नेपाल में, नंगा पर्वत कश्मीर हिमाचल रीजन, कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा आपको याद रखना है ये सिक्किम में है। ठीक है, इसका क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं, जो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हिमालयाज में। मकालू नेपाल, मनसालू नेपाल, कामेट एंड नंदा देवी उत्तराखंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पासेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में भी बनते हैं। इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कराकोरम पास है, बुर्जिल पास है, जोजिला पास है, कितने सारे पास हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए है कहाँ पे पास, दूसरा पता होना चाहिए किसको किससे कनेक्ट करता है। कराकोरम पास है, आप देखिए मैप से पढ़ेंगे ना आपको बहुत इजीली आ जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था ऑक्सफोर्ड का मैप जो एटलस आप खरीद सकते हैं। सो कराकोरम पास जम्मू कश्मीर में है, ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। बुर्जिल पास जम्मू कश्मीर में है, ये कश्मीर को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं होंगी, ट्रिक्स आपके काम नहीं आएंगी, इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए मैप के थ्रू। जोजिला पास है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर टू लेह कनेक्ट करता है। शिपकिला पास है, हिमाचल में है, इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है, या तिब्बत कह लीजिए। जलिपला पास ये सिक्किम में है, इंडिया को चाइना मतलब तिब्बत से कनेक्ट करता है। यांगयप पास अरुणाचल प्रदेश में है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की एंट्री होती है इस पार्ट से, ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। देखिए पासिस आपको याद करने हैं, फिलहाल आप नोट्स बना लीजिए, मैप के थ्रू एक बार रीड कर लीजिएगा। राइट, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है मिडिल हिमालयाज, मतलब जो बीच वाली लाइन हमने पढ़ी थी ना, मिडिल हिमालयाज, जैसे इनर हिमालयाज भी कहते हैं, लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, बस उसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि कैसे क्या चलता है इसमें। सबसे पहले डायरेक्शंस आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे डाउट आपने डायरेक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। इस तरह से आप प्लस का साइन बनाएंगे, सीधे हाथ की तरफ आपका पूर्व आएगा और ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा, बस ये याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, नाउ मिडिल हिमालयस की स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ। मिडिल हिमालयाज इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रेंजेस, जो मिडिल हिमालयाज है ये फॉलोइंग रेंजेस में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, देखिए यहाँ पे ये माउंटेन रेंज है हमारी, एक माउंटेन रेंज यहाँ पे आती है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पांचवी यहाँ पे, इन पांचों को अलग अलग नाम दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन आ जाता है इन्हें ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट आप अरेंज कीजिए, फिर हमें पता नहीं होता, फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए नोट्स बनाते रहें, पेपर पेन अपने साथ में रखें, नोट्स बनाते रहेंगे तो बार बार रिविजन में हेल्प होगी। बार बार वीडियोस तो आप देख नहीं सकते, कभी इस चैनल की वीडियो देख ली, कभी उस चैनल की वीडियो देख ली, इससे तो आपका कंटेंट तैयार होगा नहीं। नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपका सीरियस वाला एक गोल है कि नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना है, तो उस केस में सबसे पहले इन्होंने कहा है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब यहाँ से यहाँ को सबसे पहले आती है आपकी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज नंबर वन जम्मू कश्मीर में है, लॉन्गेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज की, सबसे लंबी रेंज है मिडिल हिमालयाज की, कौन सी, पीर पंजाल रेंज। दूसरी है धौलाधार रेंज जो कि हिमाचल में है, यहाँ जैसे हिमाचल है यहाँ पे धौलाधार रेंज है।
थर्ड है मसूरी रेंज, मसूरी का तो नाम से पता चल जाता है, मसूरी रेंज है उत्तराखंड में। नंबर थ्री, नंबर फोर है नागटिब्बा रेंज, नागटिब्बा रेंज भी है उत्तराखंड में, इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं। फिफ्थ है महाभारत रेंज या महाभारतल रेंज, ये नेपाल में है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे अगर स्टेट की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि महाभारतल रेंज कहाँ पे है, तो महाभारतल रेंज जो है वो नेपाल में है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो फाइव रेंजेस आपकी हो गई मिडिल हिमालयाज की। मैंने ये स्केचेस से इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, अब एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर के आसपास रहती है। देखिए फिक्स हाइट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि फिक्स हाइट ऐसा थोड़ी सारे पहाड़ एक रेंज के एक ही हाइट पे होंगे, कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, है ना। तो हमने ग्रेटर हिमालयस की बात की थी 6100 मीटर के आसपास था, और अब मिडिल हिमालयस की बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 3700 से 4500 मीटर के आसपास है। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है इम्पॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो ये शिमला है कौन सी माउंटेन रेंज में पड़ता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता कौन से में पड़ता है। हमें लगता है हिमाचल शिवालिक्स में आता है तो शिमला भी शिवालिक्स में आता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स के बारे में। शिमला, चैल, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। शिमला हिमाचल में है, चैल हिमाचल में है, मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। नहीं पता तो साथ साथ में लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज, ठीक है, या फिर आप सिंपल पासेज जिसे कहते हैं। लेट मी एडजस्ट इट वंस। ओके, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज के बारे में। जो तीन इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज हैं या फिर पासेज हैं जो मिडिल हिमालयाज में आते हैं, कौन कौन से हैं? पीर पंजाल पास, बनिहाल पास और रोहतांग पास। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोहतांग पास में भी एक टनल बनी हुई है, बनिहाल पास में भी एक टनल बनी हुई है, सिर्फ पीर पंजाल पास है इसमें कोई टनल नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं जो सबसे लंबी रेंज है उसी में टनल नहीं है। पीर पंजाल रेंज कहाँ है? अभी ऊपर पड़ा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल पास कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पीर पंजाल पास किसको किससे जोड़ता है ये पता होना चाहिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होती हो, जैसे कि जम्मू श्रीनगर रोड जो है वो इस पास से होकर गुजरता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू श्रीनगर रोड कौन से पास से होकर गुजरता है। पास मतलब दर्रे होते हैं। जो बनिहाल पास में जवाहर टनल है, इसे बनिहाल टनल भी कहते हैं। रोहतांग पास हिमाचल में है, कुल्लू के लॉन्ग रोड ये यहाँ पे इस दर्रे से या इस पास से क्रॉस होता है। अब देखिए यहाँ पे हम दो टनल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा बनिहाल पास में जवाहर टनल है, रोहतांग पास में रोहतांग टनल है, तो इन दोनों टनल्स के बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। रोहतांग टनल के बारे में तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो अभी अभी बनी है, एक दो साल पहले, आई थिंक 17-18 इस टाइम पे। तो टनल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले तो होगी जवाहर टनल, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये काफ़ी पुराना है तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बट जवाहर टनल को ऑल्सो कॉल्ड बनिहाल टनल, बनिहाल टनल भी कहते हैं। 2.85 मीटर लेंथ है इसकी। NH44 नेशनल हाईवे 44 पे ये है, कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ। देखिए आप नोट्स साथ में बनाते रहेंगे, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप बुक्स से खुद बना सकते हैं वो अच्छी बात है, बट आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको हमेशा PPTs ही मिलेंगी या फिर फालतू एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मुश्किल ही हैं कहीं मिल जाए। ठीक है, तो अब चले चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है रोहतांग टनल। तो जो रोहतांग टनल है ये रोहतांग पास में है। लेंथ की बात करें तो 9.02 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हाईवे पे बनी हुई सबसे लंबी टनल है, एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर और 10000 फीट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड अटल टनल, अटल टनल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। कनेक्ट करती है मनाली टू लाहौल स्पीति। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई, आप देख लीजिएगा, कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति से। दोनों ही जगह हिमाचल में है, मतलब रोहतांग टनल हिमाचल में आ गई। मनाली की सोलंग वैली को लाहौल स्पीति के सिसू से कनेक्ट करती है। ठीक है, दो माउंटेन रेंजेस हो गई। अब हम पढ़ेंगे थर्ड माउंटेन रेंज कौन सी है, शिवालिक्स है। अब देखिए जो शिवालिक्स है ये थर्ड माउंटेन रेंज है। ठीक है, एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 900 से 1200 मीटर तक है। यंगेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा, जो माउंटेन्स हैं वो यंगेस्ट, जो हिमालयाज हैं वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा जवान है। लेकिन जो हमारा हिमालयाज हैं, द ग्रेट हिमालयाज हैं, उनका भी कौन सा पार्ट सबसे यंग है? तो जो शिवालिक्स वाला पार्ट है वो सबसे यंग है। जो सबसे नीचे वाली लाइन हमने देखी थी माउंटेन रेंजेस में, वो सबसे ज़्यादा यंग है, सबसे नई बनी हुई है। फॉर्म्स द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के पैरों में आती हैं, मतलब तीसरी है तो सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो इसलिए कहते हैं कि फुट हिल्स है हिमालयाज का। लाइज बिटवीन मिडिल हिमालयाज एंड द प्लेन्स, इसके ऊपर मिडिल हिमालयाज हैं, इसके नीचे ग्रेट प्लेन्स यूपी वाले वो स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये मिडिल हिमालयस और प्लेन्स के बीच में आती हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा शिवालिक वाला पार्ट भी कंप्लीट, हमारा जो ये हिमालयस वाला पार्ट है पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालयन जोन है और कौन से स्टेट की कौन सी हाईएस्ट पीक है, दो चीज़ें बच गई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको नोट्स बनाने में भी इशू रहेगा और मुझे अपलोडिंग में भी इशू रहेगा। तो हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको नोट्स कैसे लगे, और पेपर पेन आप ज़रूर साथ में रखिया कीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, मैं आपको वीडियोस बताती रहूँगी, आप नोट्स बनाते रहिए, आपके सारे सारे ये ज्योग्राफी के नोट्स हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, बाद में आपको करना सिर्फ रिवाइज़ है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बुक से पढ़ना और नोट से पढ़ना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। चलिए ये तो अलग बात है, हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो न्यू अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस गाइस साथ में बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।